और कच्चा चिट्ठा में बात फिर रूस यूक्रेन जंग की। पुतिन के पास टैंकू का टोटा पड़ गया है और पुतिन 75 साल बूढ़े टैंकू को यूक्रेन में भेजने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। और रूस के 1500 ऐसे टैंक हैं जो जंग खा रहे हैं और उन्हें अब यूक्रेन रवाना किया जा रहा है। जंग के मैदान में रूस को जिस तरह से अब हथियारों की कमी का नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऐसे में उसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और उसे देखते हुए बुजुर्ग टैंकों की तैनाती अब बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह या सात नहीं, पूरे 1500 टैंकों का टकसाल। दुनिया में शायद ही कहीं 1500 टैंकों को एक जगह इस कदर इकट्ठा किया होगा। इन टैंकों की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, लेकिन इसकी डिटेल आपको आगे बताएंगे। पहले एक एक कर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत खुश है। यूक्रेन की सेना ने रूस के इन टैंकों की तस्वीर सामने आने के बाद मूवमेंट तेज कर दी है। एक साथ 1500 टैंक देख क्यों खुश हुए ज़ेलेंस्की के जनरल? इतनी बड़ी तादाद में रूस ने क्यों इकट्ठा किए टैंक? साइबेरिया में इन टैंकों को इकट्ठा करने के पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ इन तीन सवालों का जवाब जानने के लिए इन टैंकों की हिस्ट्री, जियोग्राफी और बायोलॉजी की डिटेल समझनी होगी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंक साइबेरिया के ओपन एयर डिपो से यूक्रेन के युद्ध मैदान की ओर रवाना किए जा रहे हैं, लेकिन टैंकों की ये रूटीन रवानगी नहीं है, क्योंकि ये टैंक सामान्य नहीं बल्कि बेहद असामान्य है। जी, बेहद असामान्य, क्योंकि ये टैंक डिपो में अब तक जंग खा रहे थे। रूस ने इन्हें एक तरह से त्याग दिया था, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। इनका मॉडल, इनके अटैक का तरीका काफी पुराना हो चुका है। सवाल है, फिर 70 साल पुराने टैंक क्यों निकाल रहे हैं पुतिन? बुजुर्ग टैंक यूक्रेन के लेपर्ड और चैलेंजर टैंकों के सामने कैसे टिकेंगे? क्या पुतिन के पास अब टैंकों का टोटा पड़ता जा रहा है कि बूढ़े टैंकों की युद्ध में तैनाती के लिए पुतिन विवश है? इन सवालों का जवाब एक एक कर आपको उसकी डिटेल के साथ दिखाएंगे। शुरुआत इन टैंकों की ताकत और इनके इतिहास और वर्तमान से। 1570 टैंकों की जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, उन टैंकों में शामिल है T-62, T-55 और T-54 मॉडल। ये सारे टैंक दशकों पुराने हैं और अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे थे कि डिपो के जनरल को इन टैंकों को जवान बनाकर मैदान में पहुंचाने का हुक्म हुआ। और अब ये विश्राम मुद्रा में खड़े टैंक एक्शन में आने वाले हैं। सवाल है कि ये बूढ़े टैंक क्या कर पाएंगे जंग के मैदान में? डिटेल में समझते हैं। रूस का पहला T-62 टैंक साल 1961 में सेना में शामिल हुआ था। इस टैंक में छोटा मगर बेहद कारगर इंजन लगाया गया है, जो रूस को पहले भी कई फ्रंट पर जीत हासिल करवा चुका है। 1975 में इस टैंक का प्रोडक्शन बंद किया जा चुका है। तब तक कुल 22,000 टैंकों का उत्पादन किया गया था। माना जा रहा है कि अब भी रूसी सेनाओं के साथ लगभग 2000 T-62 टैंक काम कर रहे हैं। रूस की सेना पहले से इस टैंक का यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है। रूस ने इनमें से कई टैंकों को अपग्रेड करके साल 2017 और 2018 में सीरिया में भी भेजा था। यूक्रेन में भेजे गए इन टैंकों को अतिरिक्त आर्मर से लैस किया गया है, ताकि यूक्रेनी मिसाइलों से निपटा जा सके। T-62
T-62 की मेंटेनेंस कॉस्ट बेहद कम होती है, जो रूस के लिए फायदे की बात है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि T-62 टैंक के जरिए घनी आबादी वाले इलाकों और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में आसानी होती है। यही कारण है कि T-62 टैंकों को पुतिन ने पिछले ही साल यूक्रेन की लड़ाई में उतार दिया और अगले साल यानी 2023 के मैदान में भेजने के लिए 800 T-62 टैंकों को अपग्रेड करने का हुक्म दिया, क्योंकि पुतिन के टैंकों को जेलेंस्की ने मिट्टी में मिला दिया। यहां तक कि रूस के कुछ टैंकों को उनसे छीन लिया और अब उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। पुतिन के टैंकों के ऐसे हश्र की इनसाइड स्टोरी आपको दिखा चुके हैं। अभी रेल से भेजे जा रहे पुतिन के दो बूढ़े टैंकों की डिटेल देख लीजिए। T-55 टैंक, T-54 और T-55 टैंक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में पेश किए गए सोवियत मुख्य युद्ध टैंकों की एक श्रृंखला है। पहला T-54 प्रोटोटाइप 1945 के अंत तक निज़्नी टैगल में पूरा हो गया था। 1950 के दशक के अंत से T-54 अंततः सोवियत सेना की बख्तरबंद इकाइयों वार्सो संधि देशों की सेनाओं के लिए मुख्य टैंक बन गया। कई दूसरे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अपनी शुरुआत के बाद से T-54 और T-55 दुनिया के कई सशस्त्र संघर्षों में शामिल रहे। T-54 और T-55 टैंक रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लॉन्च किया था। पहला T-54 प्रोटोटाइप 1945 के अंत तक तैयार हो गया था। इसके बाद इन टैंकों में कई बार अपग्रेडेशन का काम हुआ। 1950 के दशक के अंत तक ये टैंक सोवियत सेना के लिए मुख्य युद्धक टैंक बन गया। लेकिन समय की रफ्तार ने इन टैंकों से इनकी ताकत छीन ली और शीत युद्ध का भी अंत हो गया, लिहाजा इन भारी भरकम टैंकों का जमाना लद गया और इन्हें रूस ने इनके गंतव्य स्थल पहुंचा दिया, जिसे निकालना, चमकाना, नए हथियारों से लैस करना और मैदान में उतारना पुतिन की मजबूरी बन गई है। कहा जा रहा है कि रूस के पास T-62 टैंक हजारों की संख्या में मौजूद है। ये टैंक भले ही मैदान में लेपर्ड और चैलेंजर की तरह काम नहीं करें, लेकिन इनमें इतनी शक्ति तो है कि ये दुश्मन को धमका सके। लेकिन सवाल फिर वही, ऐसे बूढ़े टैंकों को मैदान में उतारने की पुतिन के पास मजबूरी ही क्यों? जिसके जवाब की डिटेल आपको यहाँ बहुत गौर से समझनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन अब तक ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए रूसी टैंक को बर्बाद करता रहा है। रूस परेशान है और उसके पास अपने बूढ़े टैंकों को उतारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस मजबूरी को दिखाएं, उसके पहले इस तस्वीर को बहुत गौर से देख लीजिए। ये रूस का वैगनोवो बेस है। यहाँ टैंकों को रखने की जगह को देखिए। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि ये करीब करीब खाली हो चुका है। ये वही टैंक हैं जो यूक्रेन गए और वहीं दफन हो गए। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टैंकों की संख्या है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के मैदान में इन टैंकों की तबाही की कहानी लिखी जा रही है, रूस के पास हजारों टैंक तो हैं, लेकिन अब तक जेलेंस्की हजारों को तबाह भी कर चुके हैं। डिटेल देखिए। ₹4,300 टैंक, ₹8,303 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल, ₹5,028 आर्टिलरी। वैगनोव बेस के बारे में कहा जाता है कि रूस अब तक 60% टैंक यहां से यूक्रेन के लिए रवाना कर चुका है। रूस के पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस बेस पर 3,840 टैंक कभी हुआ करते थे, लेकिन 24 फरवरी आई और उसके 8 महीनों के भीतर ही यहां से टैंक यूक्रेन रवाना होना शुरू हो गए।